नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। उच्चतर शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी दाखिला विद्यार्थियों को राहत देते हुए देर शाम शेड्यूल में बदलाव किया गया। अब विद्यार्थी 6 सितंबर तक दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। दाखिले को लेकर अन्य शेड्यूल उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा शुक्रवार यानी आज जारी किया जाएगा। पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 सितंबर थी। इस बार कॉलेजों में दाखिले के लिए मारामारी रहेगी और मेरिट लिस्ट भी ऊंची रहेगी। अब विद्यार्थी 6 सितंबर तक कॉलेजों में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में हरियाणा और पंजाब के किसानों का हमेशा से ही अहम योगदान रहा है, परंतु पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में अपनाई गई नीतियों तथा किसानों की मेहनत की बदौलत हरियाणा छोटा सा प्रदेश होते हुए भी अपने बड़े भाई यानी पंजाब से काफी आगे निकल गया है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि हरियाणा प्रदेश द्वारा कृषि के मामले में हो रही प्रगति का एक बहुत बड़ा आधार राज्य सरकार की कृषि नीतियां हैं। पंजाब राज्य का कुल क्षेत्रफल व कृषि योग्य भूमि बेशक हरियाणा से कहीं ज्यादा है, परंतु पिछले 7 सालों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की वर्तमान सरकार ने 21 फल व सब्जियों तथा 11 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करके खरीद करने का जो साहसिक निर्णय लिया है, उसके मुकाबले पंजाब नजदीक भी नहीं ठहरता। हरियाणा सरकार द्वारा 12 सितंबर को होने वाली HCS यानी कार्यकारी शाखा एंड अलाइड परीक्षा की सुचारू नकल रहित और निष्पक्ष संचालन के लिए पर्याप्त प्रबंध कर लिए हैं। इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर में कुल 13 जिलों में स्थापित किए जाने वाले 538 परीक्षा केंद्रों पर 1,48,242 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। यह जानकारी मुख्य सचिव विजय वर्धन की अध्यक्षता में जिला उपायुक्तों के साथ परीक्षा के संचालन के संबंध में हुई बैठक में दी गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच तल्खियां छुपी नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाई बहन की तरह कांग्रेस को एकजुट करने का दंभ भरने वाले दोनों नेता शक्ति प्रदर्शन में होड़ में रहते हैं। इस समय शैलजा का पूरा जोर हुड्डा की खेमेबंदी में सेंध लगाने का है। जिस तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा साल 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने और उस वक्त के अपने धुर विरोधी भजनलाल के साथियों को अपने खेमे में मिलाना शुरू किया था, कुमारी शैलजा भी ठीक उसी तर्ज पर हुड्डा समर्थकों को अपने साथ जोड़ने में जुटी हुई है। हालांकि कांग्रेस के मौजूदा विधायकों की संख्या बल की बात करें तो कुमारी शैलजा के मुकाबले हुड्डा का पलड़ा अभी भी भारी है। हाईकोर्ट पहुंचा करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज करने का मामला। 28 अगस्त को करनाल में किसानों पर पुलिस की कार्रवाई की हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच करवाने की मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस की कार्रवाई से कई किसानों को कथित रूप से गंभीर चोटें आई हैं। याचिका में जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों और SDM के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और विभागीय कार्रवाई के आदेश देने का याचिका में आग्रह किया गया है। याचिका के अनुसार किसानों ने कोई हिंसक कदम नहीं उठाया, से यह कहा जा सके कि पुलिस की कार्रवाई उचित थी। वर्षों से किसानों की सेवा कर रहे वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर CB सिंह ने किसानों से सीधी बात करते हुए कहा कि किसी भी काम को करने से पहले योजना बनाना हर एक क्षेत्र में सफलता की कुंजी होता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई किसान यह जानता है कि किस महीने में कौन सी फसलों या फिर सब्जियों को पहले से विकसित करना है तो यह योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकती है। इसलिए किसानों को कृषि विशेषज्ञों से जानकारी हासिल करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि सितंबर में गाजर, मूली, चुकंदर, मटर, आलू, शलजम, अजवाइन, सलाद, गोभी, ब्रोकली, पत्ता गोभी, सेम, टमाटर इत्यादि की खेती कर सकते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा साइना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए सितंबर व अक्टूबर महीने में व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इन प्रशिक्षणों में हिस्सा लेने के लिए इच्छुक प्रतिभागी 7 सितंबर 2021 तक संस्थान में आकर आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत फल एवं सब्जी प्रसंस्करण, कटाई व सिलाई और स्प्रे तकनीक पर विशेष प्रशिक्षण दिए जाएंगे ताकि अनुसूचित जाति व जनजाति के बेरोजगार युवक युवतियों का कौशल विकास करके उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा सके। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 180 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाएगा। देश के अधिकतर नगर निकायों में इस साल चुनाव लंबित हैं। उम्मीद है कि इसी साल के अंत तक इन सभी नगर निकायों में चुनाव की घोषणा हो जाए। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पूरे हरियाणा में कुल 53 निकायों के चुनाव होने हैं। इसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद शामिल हैं। इन्हीं चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी कुछ नया करने जा रही है। साल 2005 से प्रदेश में लगातार मजबूत हो रही भाजपा पहली बार नगर निकायों यानी नगर निगम के चुनाव में अपने चुनाव चिन्ह यानी कमल का फूल का प्रयोग करेगी। वहीं कांग्रेस इन्हें
इनेलो और जजपा अभी तक इस मामले में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर इन पार्टियों में अभी तक कोई शुभबुगाहट दिखाई नहीं दे रही है। बता दें कि प्रदेश भर में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका को मिलाकर कुल 53 जगहों पर चुनाव होने हैं। कोरोना काल में इस बार हरियाणा के सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड तोड़ दाखिले हुए हैं, जिसके चलते सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या 25 लाख को पार कर चुकी है। वहीं पिछले दो सालों में 4,40,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया है, जिसके कारण ड्रॉप आउट दर में भी काफी गिरावट देखने को मिली है। दाखिलों में बढ़ोतरी करने के लिए विद्यालयों के मुखियाओं व अध्यापकों का काफी अहम योगदान रहा है, जिसको देखते हुए हरियाणा शिक्षा निदेशालय द्वारा निर्धारित मापदंड से ज्यादा एडमिशन करने वाले विद्यालयों के अध्यापकों व मुखियाओं को सम्मानित करने का फैसला किया। हर जिला में 5 सितंबर यानी टीचर्स डे पर उपायुक्त की अध्यक्षता में सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक में देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाले सुमित अंतिल का घर लौटने पर भव्य स्वागत होगा। 4 सितंबर को स्वागत समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी पहुंचेंगे। यह जानकारी बीजेपी के राय से विधायक मोहनलाल बडोली और सांसद रमेश कौशिक ने प्रेस वार्ता कर दी। सुमित अंतिल ने प्रदेश का ही नहीं बल्कि जिले का नाम रोशन किया है और इसी खुशी में सरकार ने उसे 6 करोड़ रुपए नकद इनाम दिया है। उन्होंने कहा कि सुमित 4 सितंबर को अपने घर वापस लौटेगा। इसी खुशी में खेवड़ा गांव के खेल स्टेडियम में 3:30 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत सिंह चौटाला पहुंचेंगे और सुमित का स्वागत करेंगे। एक आइडिया से जींद के किसान की जिंदगी बदल गई। इंटरनेट मीडिया में खेती करने के तरीके को देखा और आमदनी बढ़ गई। किसान राजेश की माने तो खेती से 6 महीने से 7 लाख रुपए का उत्पादन ले चुका है। आहिरका गांव के किसान राजेश ने 4 साल पहले पारंपरिक खेती छोड़ सब्जी उगानी शुरू की थी, जिससे आमदनी कई गुना बढ़ गई। इस साल फरवरी में राजेश ने 1 एकड़ में घिया, 1 एकड़ में करेला और 4 एकड़ में तोरी लगाई। 20 मार्च के आसपास सब्जी उत्पादन शुरू हो गया। प्रतिदिन 7 से 8 हजार रुपए की सब्जी मंडी में बेचकर आता है, जिससे अब तक 6 एकड़ लगाई गई सब्जी से 7 लाख रुपए से ज्यादा की आमदनी हो चुकी है। अगर मौसम अनुकूल रहता है तो दिसंबर तक उत्पादन चलेगा, जिससे 7 लाख रुपए की और आमदनी होने की उम्मीद है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुरुष कांस्टेबल की 5,500 पदों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा को तो रद्द कर दिया है, लेकिन इसके लिए नई तारीखों का ऐलान नहीं होने से अभ्यर्थी काफी चिंतित हैं। गौरतलब है कि पुरुष कांस्टेबल परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से आयोग ने 7 अगस्त को इसे रद्द कर दिया था। पेपर लीक की वजह से रद्द हुई पुरुष कांस्टेबल की परीक्षा के लिए हरियाणा SSC जल्द ही परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर सकता है। हरियाणा SSC इस परीक्षा के लिए नया शेड्यूल जल्द जारी करने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुरुष कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा के लिए नया शेड्यूल तैयार कर गया है और सभी इंतजामों के सही से होने के बाद जल्द से जल्द परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा। हिसार के बरवाला में सतलोक आश्रम में हुए विवाद को लेकर जहां पुलिस ने डेरा प्रमुख को गिरफ्तार किया था, वहीं उनके खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस लगे थे। साल 2014 में हुए कांड में पुलिस द्वारा बाबा रामपाल व 4 अन्य के खिलाफ सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने व बंधक बनाने के मामले में याचिका दायर की थी, जिसके बाद अब सेशन कोर्ट ने पुलिस की याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा है। साथ ही बता दें कि सतलोक आश्रम के संचालक रहे बाबा रामपाल के खिलाफ देशद्रोह के केस में अभी सुनवाई चल रही है। इससे पहले हत्या के 2 मुकदमों में 2018 में बाबा रामपाल व उसके अनुयायियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। सतलोक आश्रम का संचालक रामपाल फिलहाल हत्या के केस में आखिरी सांस तक की सजा याफ्ता होने के बाद हिसार सेंट्रल जेल में बंद है। अगर आपने 10वीं, 12वीं और डिग्री पास कर लिया है और हरियाणा में सरकारी विभाग में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपके पास नौकरी पाने का एक शानदार मौका है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने राज्य सैनिक बोर्ड में क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों के लिए नोटिस जारी किया है। इन पदों के लिए 6/9/2021 यानी 6 सितंबर तक आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला का गुरुवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। वे 40 साल के थे। उनके शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं, लेकिन उनका पोस्टमार्टम किया गया है। 4.25 घंटे चले पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की गई है। शुक्रवार सुबह 10 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सिद्धार्थ के निधन की खबर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री स्तब्ध है। उन्हें बिग बॉस विनर का खिताब देने वाले सलमान खान ने कहा कि सिद्धार्थ बहुत जल्द चला गया। वहीं सिंगर और बिग बॉस 14 के रनर अप राहुल वैद्य ने सिद्धार्थ के साथ अपनी एक फोटो पोस्ट की है, लिखा, तुम बहुत जल्दी चले गए भाई, गलत बात। सोनू सूद ने कहा कि भरोसा नहीं हो रहा है कि अब वो नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार राव, पत्रलेखा, एक्टर देवोलीना भट्टाचार्य, जय भानुशाली, बिग बॉस के पूर्व पार्टिसिपेंट हिंदुस्तानी एक्टर संभावना सेठ, उनके पति अविनाश द्विवेदी के साथ सिद्धार्थ के घर पहुंचे।